बजरंगढ़ थाना क्षेत्र के खिरियागिर्द गांव में भगवान शिव को जल चढ़ाकर लौट रही दो युवतियों के साथ गांव के ही एक आवारा किस्म के युवकों द्वारा छेड़खानी कर दी गई। घटना के विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित युवती के पिता के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हालत में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खिरियागिर्द के रहने वाले पीड़ित युवती, जो सोमवार को अपनी सहेली के साथ शिव मंदिर से लौट रही थी, तभी सतीश धाकड़ नाम के युवक ने उसका रास्ता रोका, साथ ही साथ उसके साथ अश्लील हरकतें भी करने लगा। जब पीड़ित युवती ने इसका विरोध किया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसका पिता मौके पर पहुंच गया, तब आरोपी के परिजन भी आ गए और पीड़िता के पिता के साथ ही मारपीट करने लगे। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने बजरंगढ़ थाना परिसर पहुंचे, जहां करीब दो घंटे तक मशक्कत करने के बाद उनकी FIR दर्ज की गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने साधारण धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके बाद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी पक्ष दबंग बताए जा रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस के इस रवैये को लेकर पीड़ित परिवार मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और धारा का इजाफा किया गया है। वहीं युवती के पिता के सर में भी चोट आई है, जिससे उसके दिमाग में खून जम गया है, जिसके कारण ग्वालियर रेफर किया गया है। बजरंगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर उमेश राठौर की रिपोर्ट। मंदिर गए थे मैं और मेरी सहेली पूजा करने। उधर से लौटते समय श्री प्रजापति के घर के पीछे सतीश धाकड़ ने छेड़खानी की और मुंह पे किस भी किया, और इतने में मेरे पापा आ गए। चिल्ला चीख की आवाज़ आई तो उसका बड़ा भाई और उसका पिताजी आ गए, तो मेरे पापा की मारपीट करने लगे और तीनों भाग गए। थाने में कोई सुनवाई नहीं है, उसके कारण मेरे पापा के दिमाग नाक आँख में चोट आई। तो ये कब की घटना है? कल की है। बोल। मारने की धमकी दी था। सहेली के साथ गए थे मंदिर। मारने की धमकी दी था। बोली धमकी तो कोई मार सहेली साथ में थी, उसने बचाने की कोशिश की तो उसमें लात मारी। अकेले ही था वो? हाँ अकेले थे, और तुम तो बड़ा भाई आ गया। पापा के साथ मारपीट गई है पहुँचे थे। हाँ। कौन सा गांव है? खिरियागिर्द। रिपोर्ट कोई स्थान में कराई है? बहिरंगढ़। ना कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। आज SP साहब के पास आए? हाँ। पापा कहाँ हैं आपकी? हॉस्पिटल।